और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर आ रही है, भाजपा विधायक ने कोर्ट जाकर के अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग पर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। हाई कोर्ट से इस वक्त की एक खबर है, जहां बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने याचिका दाखिल की थी और आरोप ये लगाया था कि गाजियाबाद का जो जिला प्रशासन है उसने कोरोना के इस काल में बद इंतजामी की है और साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी की है। और इस पर इसी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आईएएस अधिकारी द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। इस वक्त की अहम खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां भाजपा विधायक खुद अपनी ही सरकार के विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। गाजियाबाद के प्रशासन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन को बेचने का ये आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि अपनी ही सरकार से पहले भी सवाल पूछते रहे हैं विधायक नंद किशोर गुर्जर, और इस बार वो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना में जिस तरह से बद इंतजामी रही उस पर पहले से ही लगातार आवाजें उठ रही हैं, मीडिया में भी तमाम खबरें आ रही हैं। इस बीच अब भाजपा विधायक कोर्ट पहुंच गए हैं तो फिर से सरकार के इंतजामों पर, सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर है, भाजपा विधायक ने गाजियाबाद प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी और अब इस पूरे मामले की जांच आईएएस अधिकारी करेंगे।